कभी एनडीए का हिस्सा रहे हनुमान बेनीवाल क्या घर वापसी के लिए फिर से तड़प रहे हैं? क्या हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन से खुद को अलग करना चाहते हैं? ये वो सवाल हैं जो इन दिनों राजस्थान की सियासत में सुर्खियां बटोर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने इंडिया गठबंधन के नेताओं से अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की है। बेनीवाल का कहना है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, इस कारण मेरी इंडिया गठबंधन से नाराजगी है। हालांकि बेनीवाल ने यह बिल्कुल नहीं कहा कि वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। बात यह है कि जैसे ही 1 तारीख को पोलिंग हुई सातवें चरण की, उस दिन इंडिया अलायंस की बैठक थी खड़गे जी के वहाँ पे, उसमें हम लोगों को आमंत्रित नहीं किया, मुझे आमंत्रित नहीं किया। उसके बाद 4 की पोलिंग हुई, 5 को फिर इंडिया अलायंस ने बैठक रखी, उसमें मुझे नहीं बुलाया। तो कल ही मैंने बात कही थी कि मुझे बुलाया नहीं, और जब पता किया तो कहा भाई छोटे दलों को बुलाना भूल गए। जब ये लोग बुलाना ही भूल गए तो इनके मन में क्या हो सकता है? अब ये स्टेट के किसी नेता के इशारे पे कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं। कल शाम को खड़गे जी को पीछे टेलीफोन आया था और मुझे कहा साहब हमसे ये चूक हुई है, हम इंटीमेट नहीं कर सके आपको। तो कोई नहीं, आगे इंटीमेट करेंगे जब चले जाएंगे। एनडीए और भाजपा के साथ में जाने सरा, उनके साथ में कभी जाऊँगा भी नहीं, क्योंकि मैं लड़के उनसे अलग होकर आया था। ऐसा नहीं है कि मैं जनता के सामने जिस बात को लेकर वोट मांग के मैं आया हूँ। मुझे अगर मंत्री पदों का लालच होता 2003 से लेकर अभी तक मैं चला जाता कई बार। फिर भी खबरें आ रही है कि आपसे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने संपर्क किया है, या भाजपा के बड़े केंद्रीय नेता ने आपसे संपर्क किया, कितनी सच्चाई? किसी ने नहीं किया। इससे पहले सूत्रों ने बताया था कि हनुमान बेनीवाल एनडीए की बैठक में शामिल हो सकते हैं। इंडिया गठबंधन की बैठकों में नहीं बुलाए जाने पर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आज इंडिया गठबंधन में हूं, कल क्या होगा किसी को भरोसा नहीं। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, इंडिया के साथ ही रहूंगा। पहले भी एनडीए का हिस्सा रहे हैं, हालांकि इस लोकसभा चुनाव से पहले वे एनडीए से अलग हो गए और कांग्रेस से गठबंधन किया था। लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि जब मैं एनडीए से अलग हुआ था तब उन्होंने कहा था कि आप हमारी वजह से जीते हो, तब मैंने कहा था कि इस बार आप आना और जीत कर दिखाना। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो ने कहा था कि कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नागौर से मुझे जिताने के लिए अपना पूरा दमखम लगाया और उसी का परिणाम है कि यहां से मेरी जीत हुई और बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की हार हुई है, जिन्होंने सीट को जिताने के लिए 100 करोड़ रुपए तक खर्च किए लेकिन हनुमान को डिगा नहीं पाए। अब फिर से राजस्थान की सियासत में हनुमान जी लाइमलाइट में आ गए हैं। आगे वो क्या करेंगे, हर कोई ये जानना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान।